बागेश्वर मंदिर के जस्ट बगल से होकर के आपको आना है। तो यहाँ पर एक महादेव जी का और भी मंदिर है जिनका नाम है मताकेश्वर महादेव। आइए रचना आपको उनके भी करवाते हैं कि ये मंदिर कैसा है। आइए हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे काशी के खंड खंड में, कंकड़ कंकड़ में महादेव बसते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी एक महादेव जी का मंदिर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मंदिर ताकेश्वर महादेव जी का। देखिए अभी अभी यहाँ पर सुंदर श्रृंगार हुआ है। देखिए आप सब भी हाथ जोड़ नमन करिए महादेव की। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और बहुत लोग जानते ही नहीं हैं कि यहाँ पर इस मंदिर के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे आपको शिवलिंग एक साथ दिख जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे शिवलिंग हैं और कितना खूबसूरत ये मंदिर है, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने सारे शिवलिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज सावन का प्रथम सोमवार है और हर शिवलिंग के ऊपर आज पूजा की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर ये मंदिर है। हम इस मंदिर के प्रधान पुजारी श्रीजत पांडे जी हैं, समझे जी। बचपन से जो है हमारे पिताजी जो है यहाँ पर पूजा पाठ करते रहे। ये मंदिर जो है भवानी शंकर पंडा का है, जो शीतला जी के महंत भवानी शंकर पंडा थे जी, उनकी यह संपत्ति थी। तो यह कि मुसलमानी बस्ती में आने में उनको परेशानी महसूस की, हाँ। इसलिए नहीं आती है, ये कारण इसका हो सकता। कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी संपत्ति थी सब हिंदुओं की थी, ये राजाओं का राजगद्दी थी। जो देख रही हैं ओंकारेश्वर क्षेत्र में जी, ये जमीन जो राजाओं की काश्तकारी थी। अभी ये जो महादेव जी हैं, ये कौन से महादेव जी हैं? 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और काश्तकारी टूटी, तब इस मंदिर की जो संपत्ति थी वो सब लोगों के नाम लग गया प्रजाभट। और प्रजाभट लगने के बाद नगर महापालिका जो है उन लोगों के नाम चढ़ा दिया और वो सब संपत्ति बेच बेच के मुसलमानों को चले गए। इसलिए आज आबादी जो है सो कम से कम 25,000 मुसलमानों की आबादी इस बनारस के इस क्षेत्र में है, ओंकारेश्वर क्षेत्र के अगल बगल 25,000 लोग नहीं आ पाते। बाहरी आदमी इसलिए नहीं आ पाते हैं कि उनको जानकारी नहीं है, उनको रोड लाइन नहीं मालूम है। यहाँ तक कि काल भैरव का बोर्ड लगा हुआ है मैदागिन पर, विश्वनाथ जी का बोर्ड लगा हुआ है मैदागिन पर, महामृत्युंजय का बोर्ड लगा हुआ केदार मैदागिन पर, केदारेश्वर का सुनापुरा में बोर्ड लगा हुआ, मगर ओंकारेश्वर का बोर्ड लगा ही नहीं है। जानकारी ही नहीं किसी को हो रही है। जब 9 साल हो गया मोदी सरकार को भी, जो 5 साल योगी सरकार भी चली आई और 7 माह धीरे धीरे 6-7 साल उनको भी हो गया, मगर ओंकारेश्वर का बोर्ड कहीं पर भी विकास प्राधिकरण ने नहीं लगाया है कि विकास प्राधिकरण भोग लगावे कि नहीं ये ओंकारेश्वर मंदिर की यात्रा का या ओंकारेश्वर महात्मा का ये जगह है। इसी का मेन कारण है, यही कारण है कि लोगों को बाहर के जाति जो आने वाले हैं, जैसे दक्षिण भारत के लोग, ये आपके कलकत्ता दिल्ली बम्बई मद्रास माने जो बाहरी क्षेत्र के जो हैं वो काल भैरव तक आते हैं, दर्शन करते हैं और ओंकारेश्वर आने का नाम ले लेते हैं। ऑटो वाले इतना भाड़ा मांगेंगे काल भैरव से यहाँ से आने का, कहेंगे 400 रुपया भाड़ा हुआ, कब 500 रुपया भाड़ा हो, अब बेचारे जानकार नहीं है
तो 500 रुपया दे करके भाड़ा आना ही नहीं चाहेंगे, डेढ़ किलोमीटर का रास्ता है, उसको घुमा करके लेकर के आएंगे चौका घाट पर, ढकाना घुमा करके लेके आएंगे ऑटो वाले। अब वो कहाँ से बेचारे नहीं जानते हैं रोड की, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा जगह है, और उसमें 30 लाख रुपया लगा करके कोई टीन शेड और बाकी जो चीज सीढ़ी जो कुछ बना है कोई सुंदरीकरण हुआ। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे शिवलिंग है, ये देखिए यहाँ पर दक्षिण भारत मूर्तियां भी बहुत सारी हैं, और गुमशुदगी में जा रहे हैं ये महादेव के मंदिर, जिनको हम सबको सामने ले आना है, बहुत ही ज़रूरत है हमें यहाँ महादेव की, इस मंदिर को और भी ज़्यादा प्रगति की, जैसे कि आप देख सकते हैं गुरु जी ने कितनी बड़ी बातें बताई यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस मंदिर के ऊपर। ज़रूरत है यहाँ पर महादेव की इस मंदिर को जो धार की, जो कि बहुत लोग जानते ही नहीं हुआ, ये आप सबके सहयोग से ही हो पाएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर किए ताकि लोग आए और जाने कि यहाँ हमारे बनारस में ही ज्योतिर्लिंग है, पटने टोला मछोदरी पे आपको आना है, मछोदरी से लगभग 2 किलोमीटर अंदर आपको आना, पूछते हुए आप आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सीधा रास्ता है। ओंकारेश्वर महादेव भी है और ये मत्केश्वर महादेव भी यहाँ इस मंदिर के अंदर विराजमान है, तो आपको आना है और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो हमारे भगवान लुप्त होते जा रहे हैं, जिनको लोग जानते ही नहीं है, वो जाने और सुने कि वो जाने कि हमारे महादेव ही यहाँ मंदिर में है, और सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं है, बहुत सारे मंदिर यहाँ हमारे बनारस में है, ताकि वो लोग महादेव के दर्शन पा सके और उनके दर्शन की लाभार्थी हो सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा और आप सभी की लाभकारी हो तो प्लीज़ मेरे नाम से हमारे महादेव के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इस नेक काम में अपना योगदान दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव।